A proton is projected in a region containing both electric and magnetic field pointing in the opposite direction to the motion of the proton. The proton में तो ये हमारे पास similarly एक electron वाला case गया है पीछे एक MCQ में, तो ये भी उसी तरह का MCQ है. हमारे पास जो magnetic field और electric field है वो दोनों same direction में है. तो हमारे पास magnetic field ये orange, electric field positive plate इधर, negative plate इधर, तो हमारे पास electric field ये आ गया. अब proton जो है वो opposite to the both fields जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, अलबत्ता इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको एक अपोजिशन मिलेगी क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी. तो अल्फा में मेरा मूव इन द सेम डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो नहीं होगी उसकी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी. डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट करेगा नहीं, डिफ्लेक्ट तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा. मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्शन होनी थी, लेकिन वो इन लाइन है उसके साथ, तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं होगी. तो बीटा भी इनकरेक्ट, चार्ली भी इनकरेक्ट, डेल्टा हमारे पास ठीक ऑप्शन है. मूव इन द सेम डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी.